एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्वास व्लॉग। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टोरीज की। ऐसे स्टोरीज के रिगार्डिंग मैंने कुछ हैक्स बताए थे कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट्स यूज करके बहुत ही अच्छी स्टोरीज बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद, या रोक के भी जा सकते हैं, वो आपके विषय है। तो चलिए आज बात करते हैं स्टोरीज की कि कैसे स्टोरी से आप इंगेजमेंट ला सकते हैं और स्टोरीज की एसईओ को अच्छा कैसे करें कि और ज्यादा ऑडियंस मिले आपको। तो बेसिक चीजें हैं विच आर द की टू योर एसईओ ऑफ स्टोरीज, दैट इज इंट्रैक्टिव एंड अट्रैक्टिव। इंट्रैक्टिव एंड अट्रैक्टिव, दे बोथ आर द कीज फॉर योर स्टोरीज। सो इन स्टोरीज को इंट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, लेट मी शो यू फ्यू थिंग्स ऑन द स्क्रीन, जिसकी हेल्प से आप अपनी स्टोरीज को अच्छा बना सकते हैं, एसईओ अच्छा कर सकते हैं और क्या है, बहुत सारी ऑडियंस ग्रैब कर सकते हैं, क्या पता आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज हो जाए। सो लेट्स गो फॉर इट। सो अब हम स्टोरी की तरफ आते हैं। आप अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है इंट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो जितने भी आपको स्टिकर्स दिए जाते हैं जिनसे इंट्रैक्शन बढ़ती है या आप अपनी ऑडियंस को इंगेज कर सकते हो, ऐसे स्टिकर्स ज़रूर यूज़ करें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। हैशटैग्स लगाएं, हैशटैग्स चलो एक मेन बड़ा लगा दें, उसके अलावा ट्राई करें कि कुछ कुछ छोटे छोटे वाले भी हैशटैग्स लगा दें आप नॉर्मल टेक्स्ट में। उसके अलावा लोकेशन लगाना ना भूले कभी भी अपनी स्टोरी में, और ये सारी चीज़ें ना आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर आप स्टिकर्स लगा के छुपा भी सकते हो उन सब चीज़ों के नीचे। दिखाना चाहते हो इट्स योर विश, अदरवाइज इन सब चीज़ों को आप छुपा भी सकते हो। कोई इंट्रैक्टिव आप अपना लेके आएंगे, मान लो इनमें से आपने कोई क्विज यूज़ कर लिया तो आप क्विज स्टार्ट कर लिया, कोई पोल कर लिया, कोई क्वेश्चंस कर लिए, और थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिकर्स यूज़ करते हैं जिनके नीचे आप अपनी ये सारी चीज़ें छुपा सकते हैं लाइक लोकेशन एंड ऑल। और स्टिकर्स का एक और फ़ायदा होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था हैशटैग वाली वीडियो में, कि स्टिकर्स क्या है, पर्टिकुलर किसी नेम के अंडर कैटेगराइज्ड होते हैं, तो जब इनको यूज़ करते हो तो इनसे इनफैक्ट आप वो वाला कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं इन शॉर्ट। तो आप जिफ्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिफ्स जो ट्रेंडिंग हो गए जितना उनको यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके ऑडियंस रीच के। सो स्टिकर्स यूज़ करें, और जैसे आजकल फॉल वाले चल रहे हैं तो आप फॉल वाले यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टिकर्स आए हुए हैं, सो यूज़ देम इन योर स्टोरीज, दे विल हेल्प यू अ लॉट। सो इसके अलावा स्टिकर्स, जिफ्स जो यूज़ कर सकते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, की चेन्स ऑप्टिमाइज भी होगा, कीवर्ड्स भी यूज़ हो जाएंगे साथ के साथ, और इनके नीचे आप अपने हैशटैग्स लोकेशंस वगैरह छुपा सकते हैं। अब इनके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, सबसे बड़ी बात जो इंट्रैक्शंस के लिए आती है आपकी वो है हैशटैग्स। अब हैशटैग्स आपने जो है बड़ा तो यूज़ कर लिया है, उसके अलावा छोटे छोटे हैशटैग्स भी यूज़ करेंगे आप, तो उन सारे हैशटैग्स को जितने ज़्यादा यूज़ हो सकें अपने कुछ 15 के अराउंड हैशटैग्स यूज़ कर लीजिए, और उनको छोटा मिनिमाइज़ करके इन सब चीज़ों के नीचे आराम से छुपा सकते हैं आप अपने स्टिकर्स वगैरह, बहुत ईजी होता है, इन सब चीज़ों की आपको प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। फिर आते हैं आपकी इंट्रैक्शंस की बात, की इंगेजमेंट लेके आने स्टोरीज पे, उससे पहले इनको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, फिर कुछ क्विज वगैरह यूज़ कर लेंगे अपने लिए। सो लेट्स ऑर्गेनाइज देम एंड हाइड देम, ऐसे आप मिनिमाइज़ करके इन सारी चीज़ों को हाइड कर सकते हैं एक जगह पे, फिर आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं अपनी कोई भी इंट्रैक्टिव जो आपके स्टिकर्स होंगे वो, जिनसे ऑडियंस उन पर रिस्पॉन्स करेगी, तो रिस्पॉन्स देने से उतना ज़्यादा इंट्रैक्शन उतना ज़्यादा रीच बढ़ती है आपकी। तो लेट्स टेक अ क्विज राइट नाउ, एनीथिंग यू कैन टेक अप, कोई काउंट एंड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिससे आपको इंट्रैक्शन मिले ना वो चीज़ यूज़ कीजिए, उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी वो आपके लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये क्विज, जिस टाइप के पोल्स हो गए, क्विज हो गए या रिस्पॉन्स वाली चीज़ें होती हैं, इनसे ना कई बार वेरीफाइड प्रोफाइल्स तक आपकी जो स्टोरीज़ हैं वो पहुंच जाती हैं, क्योंकि रीज़न बीइंग अगर स्टिकर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके एक्सप्लोर पेज पे कहीं ना कहीं होते ही होते हैं, तो यूज़ देम फॉर योर ओन बेनिफिट। और इंटरेस्टिंग भी इसके अलावा बनाना चाहते हैं अपनी स्टोरीज़ को, तो इंटरेस्टिंग के लिए आप मेरे जाके इंस्टा हैक्स देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा वीडियो का। उसके अलावा भी मैं सून आपके लिए और हैक्स लेके आऊँगी जिससे आप अपनी स्टोरीज और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मेनली इट्स अबाउट कि आज आप ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ये जितने भी मैंने आपको वेज दिखाए हैं ये बेस्ट वेज हैं,
यूज़ देम फॉर योर बेनिफिट और उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे आपकी ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए। अब मैं आपको कंपेयर करके दिखा देती हूँ कि आपकी स्टोरीज कहाँ अपेयर होती हैं। जैसे लाइफस्टाइल का मैंने हैशटैग में दिखाया था कि पोस्ट तो यहाँ आ गए हैं, अब स्टोरीज़ का बहुत लोगों को नहीं पता होता कि आप ऊपर की साइड यहाँ पे अपनी स्टोरीज़ भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने डाली है लाइफस्टाइल हैशटैग डाला है उसके अंडर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पोस्ट पे वही 30 मिनट्स वाला रूल अप्लाई करके जो आपने देखा होगा अपने पोस्ट वगैरह के लिए वही स्टोरीज के लिए अप्लाई होता है। अगर ज़्यादा इंट्रैक्शन आई है तो यहाँ पे डेफिनेटली वो अपेयर होगा। सो जब भी आप ऐसा करें तो 1 या 2 आवर के बाद यहाँ के चेकआउट ज़रूर करें कि आपकी स्टोरीज़ इन प्लेसेस पे या उन टैग्स के अंडर अपेयर हो रही है कि नहीं हो रही है। उससे आपको ये पता चलेगा कि एक तो आपका अकाउंट शेडो बैन नहीं है, प्लस आपकी जो स्टोरीज़ है आप कितना ऑप्टिमाइज कर पा रहे हो उनको। अगर यहाँ पे अपन नहीं हो रही है तो इन शॉर्ट यही है कि आपने ऑप्टिमाइज़ नहीं किया उनको अच्छे से, या फिर आपने अच्छे से हैशटैग्स नहीं लगाए हैं उनमें, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपको इम्प्रूवमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है। आज की वीडियो आपको सबको अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी ही सीरीज में जहां मैं आपके लिए लेके आऊंगी बहुत ही ज्यादा कमाल की कोई चीज जिसको देख के आप शायद डिजिटल मार्केटिंग सीख जाए थोड़ी सी। अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं सही तो एटलीस्ट किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ग्रो जरूर करेंगे।